वो छुड़वानी है बेटा, ड्रिल मशीन ले आइयो जरा। जी, ड्रिल मशीन क्यों? पहले मैंने पर्दे का काम था ना, डॉक्टरी का तो अभी शुरू किया। अच्छा, मैं ऑन जी लेट ही हूँ। हाँ, लेट जा। भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, मैं क्या करूँ? आप ऐसा करो, रात को धूप में बैठा करो। अच्छा, रात में जितनी धूप लोगे उतना अच्छा है। तो खाने के बाद भूख, धूप कैसा आ जाती है यार? ये दर्शन धूप नहीं आती। धूप बच्ची वाली धूप। डॉक्टर साहब, मैं एक बात बताऊँ आपको? जी जी बताइए। आप अपना इलाज करवा लीजिए, नहीं तो गंदा आके आपकी थोड़ी यही बात। आप ऐसा करो, आपकी रात में रात में आप भी धूप लो। डॉक्टर, धूप की जरूरत है? मेरे को धूप की जरूरत नहीं है, तेरे को डंडे की जरूरत है। डंडे बोलते थे भाई। अतुल ने फोन करके कहा कि कई गाने ऐसे होते हैं जिनको जब हम सुनते हैं तो उन गानों के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो कुछ अलग ही सुनाई देते हैं। अब इस पे बहुआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो भाई साहब, आपने सौरभ जी को देखा है? नहीं, मैं सौरभ को तो नहीं देखा। नहीं जानते आप? नहीं, मैं कहाँ मिलेगा उस नुक्कड़ पे, एक बार पूछ लेता हूँ पान वालों को। बता भाई, कल कहाँ जा दिया फोन? नमस्ते अंकल। नमस्ते भाई। शायद उस नुक्कड़ पे मैं पूछ लूँ। भाई किसे ढूंढ रहा है? एक सेकंड, सौरभ जी कहाँ मिल जाएंगे? कौन है सौरभ? पता नहीं तो फिर क्या ढूंढे जा रहा होते? तू जानता नहीं, किसी की जान संकट में एक औरत है जिसकी मदद करनी। कौन है भाई औरत? अम्मा है तेरी? गंदा। मैं अभी जा रहा था एक ऑटो में, वो ऑटो वाले भाई ने मुझे कुछ सुनाया। अच्छा, उस ऑटो की आवाज सुना दो। सुनिए, समझ करियो, सुनियो किसे ढूंढ रही है? सौरभ जी को ढूंढ रही। दादाजी सौरभ दिखोगा कहीं? सौरभ साढ़े पड़ोस में सिवा एक, वो तो लंदन चला गया। लंदन नहीं, दुबई गया। दुबई बेचे? हाँ, सनू नहीं पता। एक मिनट, वो गिर जाएगी, वो मर जाएगी बोल रही है। वो क्यों मरा जब वो गिर जाएगी तो? यार तेरे अंदर इंसान नहीं है। मेरे अंदर इंसान है? तेरे अंदर क्या है? सौरभ दी वो कह रही है गिर जाएगी। तेरे को फिर सुनना है? तू मुझसे सुन लेगा? तू नहीं, तू सुन, इसको ढूंढ रही है। सौरभ जी कहाँ मिलेंगे? यहाँ से ना आप राइट लेंगे। राइट? राइट लेने के बाद थर्ड जो घर है, थर्ड वो सौरभ का घर है। एक देखा, एक सेकंड रुक, मैं जाता हूँ घड़ी घंटी बजाता हूँ। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। पता नहीं कहाँ। या गुड मॉर्निंग। हेलो अंकिल। या हेलो। आपसे दो मिनट चाहिए था। मैं किसके घर पहुँच? एक सेकंड, आपका नाम क्या? सौरभ सेक्सिन। सौरभ साला टिकट दे ले अब। आपको एक महिला ढूंढ रही है। इसको पहचान क्या? आपका नाम लिखिए। सुनो मैडम जी, सौरभ सक्सेना, इनसे बात करूँ ना? हेलो, सौरभ सक्सेना, सुन मेरी बात। यस, एक काम कर, बिहेव लाइक अ सिविलाइज्ड पीपल। सिविलाइज्ड साला सिविलाइज्ड गंगा बोली गए। फोन कर रहा है, कहेंगे बैक बैक काट नहीं है, इसका क्या होगा? सौरभ जी सक्सेना, सौरभ सक्सेना। हेलो हेलो हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है? एक दो बार हेलो बोलिए। हेलो हेलो। हाँ कौन बोल रहा है? एक और हेलो। हेलो। हाँ बहुत बढ़िया। नहीं, क्या नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है, बस हेलो सुनना था मुझे। अरे भाई साहब, बोल कौन रहे हो, किससे बात कर रहे हो? आवाज सुन के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताता हूँ मैं, बहुआ बोल रहा हूँ। आवाज सुन के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता? क्योंकि इंसान की किस्मत और जुगनू का पिछवाड़ा कभी भी चमक सकता है। बात तो सही है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सब सुनने। आपको मैं बताता हूँ चौंकाने वाली बात, जो आपके घर वालों को भी नहीं पता होगी। ऐसी क्या बात है आपको? कि तू मुझसे बात कर रहा है। बता, घर वालों को पता चले? नहीं पता है। देखा, और तूने अब तक अपना नाम भी नहीं बताया मुझे, ये भी मुझे पता है। बताया क्या बोल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और थोड़े टाइम में, हेलो, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, थोड़े टाइम में तुम फोन काट दोगे, ये भी पता मुझे। अबे ओए, ये खेलियो, ठीक है? मैं खेल रहा हूँ, मैं फालतू की सुन, काट दोगे, मैं जानता हूँ। हेलो, आवाज गूंज रही है, शौचालय में हो क्या? अबे शौचालय में हूँ या तेरे घर में हूँ या तेरी बीवी के साथ?
तू प्यार से बोल, मैं सब बताऊंगा, जबान नहीं दे जाना। क्यों बोलो, क्यों बोलो, तेरे घर पे खाता हूँ, प्यार से क्यों बोलूं? एक और चीज बताता हूँ मैं। हाँ बोल। तेरा बर्थडे आने वाला है। मेरा बर्थडे आने वाला नहीं, मेरा बर्थडे चला गया। नहीं आगे नहीं आएगा फिर? अगले साल आएगा ना। हाँ तो आने वाला है ना वो। बहुत अगली बार फोन कर दिया ना, फोन में से करूंगा। हेलो जी, मैं बउआ बोल रही हूँ। हेलो, मुझे पता है आपने उठाया है, बस बोल ही रहे हो। तो सारे जब पता है तो फोन तो करने के लिए। सॉरी, एक और भविष्य बताओ आखिरी। हेलो, अरे नहीं सुनना, मेरे पास रखा भविष्य। भविष्य सुनिए, तेरी एक दिन एक लड़की से शादी होगी, मैं लिख के देगा। और तेरी तेरी क्या होती है? और जो तेरे लड़के बच्चे हैं वो तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो तेरे टैलेंट पर डिपेंड करता है कि कैसे होंगे। अबे इतना मारूंगा। एक आखिरी चीज सुनिए, एक बात जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। क्यों बोलूं? किसी को नहीं बताई, तुझे क्यों बोलूं? बहुत जल्दी आप फोन काटोगे। पंकज फोन करके कहते हैं, रौनक भाई एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहिए इंसान को। मतलब मतलब कैसी हो, बहुआ ने मस्ती करी? हेलो, नमस्ते अंकल, एक सेकंड। ये क्यों नहीं घसक रहा है? क्या नंबर मिलाया जी? बहुआ भैया एक मिनट, कोई खटिया है बेडरूम से हॉल में? कैसे बात करते हो? गोविंदा का नंबर है आपके पास? गोविंदा या करिश्मा कपूर? नहीं तो पागल है क्या? तो उनका नंबर क्यों चाहिए? बोल तो जाऊँ कि मेरे को ना बेडरूम से हॉल में ले जाना है, खटिया। वो लोग धक्का मारेंगे तेरे साथ आके? नहीं धक्का नहीं मारेंगे, कम से कम सरका तो सकते हैं खटिया। वो क्यों सरकाएंगे भाई? क्योंकि उनने एकदम जाना था तब सरकाया था। अरे क्या, नमस्ते नमस्ते, दिमाग खराब कर रखा है यार क्या? अबे मैं कह रहा हूँ बोल, क्या हुआ? मैंने बहुत मारा। तेरे जैसे तेरी हरकत है तो मार खाने वाले मैं तेरे। आश्क में वहाँ है। क्यों मारा भाई? खटिया सरकाना था ना, तो फिर सरका लेता। नहीं, उसके वजह से मैंने दीदी का बाल काट दिए। क्या? खटिया सरकाने थे ना, तो बाल से क्या करता फिर? नहीं सर, मेरे को लगा सरकेगी। ऐसे कैसे सरकेगी? क्योंकि देखो एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है ना, तो हेलो। अबे तू नहीं सुनिए, इसलिए मैंने एक सेकंड, इसलिए मैंने उनकी चोटी काट के एडी के पास बांध ली, लेकिन मैंने बहुत मारा और खटिया भी नहीं सड़क गई है। अबे साले तू यहाँ पृथ्वी पे कैसे आ गया? साले तेरा मंदिर बनना चाहिए, नारियल वहाँ जो चढ़े ना तो तेरे। गंदा बोलिए आप। हेलो, बोल रहा है बहन की चोटी काट ली तने है और एड़ी सरकाने के लिए ताला पता। तो जा रहा हूँ अभी, हिमालय जा रहा हूँ मैं। क्यों जा रहा? खटिया सरकाने। हिमालय जाने से कैसे सरकेगी खटिया? देखो इस चोटी से काम नहीं हो सकता, हिमालय की चोटी से एड़ी लगाऊंगा तो खटिया। तेरी ज्योति कह रही थी, रौनक डॉक्टर्स तो अब आए हैं, पुराने जमाने में तो घरेलू नुस्खे चलते थे किसी भी प्रॉब्लम के लिए, अब इस पे बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? बउआ मेरी घरेलू नुस्खे की दुकान है, अगर कोई भी समस्या उसका घरेलू इलाज। मुझे क्या करना तुम्हारा घरेलू? आप भी सीखिए, आपको भी काम देगा। एक सेकंड, अम्मा आ गई। अम्मा, मुझे मच्छर शरीर के अलग अलग हिस्सों में काटते हैं, मच्छर गंदगी को मच्छर काटते, मुझे क्या सिखा रहा है? घरेलू नुस्खा है, मच्छर जानी में दो तीन मच्छर पकड़िए, उनमें से एक को आप भी जोर से काट लीजिए। मच्छरों को कैसे काटेगा? अच्छा सर, ये भैया प्रणाम। कुछ दूध रोज फट जाता है? दूध फट जाता है। कुछ हो नुस्खा तो? सफेद धागा रखे और समय जैसे फटे तुरंत सिल लें। घरेलू नुस्खा, एक सेकंड, एक लेडीज आ रही है। एक सेकंड। हाँ लेडीज। हाय बउआ, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे ना बाल बहुत झड़ते हैं। बाल झड़ते हैं? स्ट्रेस, डस्ट इन द सिटी। अच्छा, तेरे को भी इतना मारूंगा ना, तेरे भी सारे बाल झड़ गए। एक सेकंड, आप मुंडन करवा ले। मुंडन? हाँ, कोई बाल नहीं झड़ेगा सब। हेलो अंकिल। हेलो, आपसे दो मिनट चाहिएगा। किसके घर पहुँच? एक सेकंड, आप क्या?
मेरे को भी इतना मालूम है ना, तेरे भी सारे बाल झड़ गए। एक सेकंड, आप मुंडन कटवाइए। मुंडन? हाँ, कोई बाल नहीं झड़ेगा, सब साले गंजा करवा। एक सेकंड, एक और देख लीजिए, एक बच्चा है, क्या हुआ तुम्हारे? भैया हाँ जी, मेरे दांत में ना कीड़ा है। कीड़ा लग गया? तुम 8-10 दिन तक कुछ मत खाओ, भोजन नहीं करोगे ना बच्चे तो कीड़ा भूखा मर जाएगा अंडे दी। कई तो अच्छी है अंकल, बाप मेरी बच्ची नहीं, क्या आपको भी कोई समस्या? मेरे घरेलू नुस्खों की दुकान में बंद कर, मैं बंद नहीं, आप बताइए तो। मेरे दाई ने हाथ में दर्द है, पता क्या करूँ? हाथ में दर्द है तो काम करिए, एक मजबूत हथौड़ी लीजिए और अपने पैर पर जोर समाजिए। साले पैर तक की मार दो थोड़ी में। नहीं देखिए, पैर का दर्द जितने ज्यादा होगा कि हाथ का भूल जाऊंगा। अब नुस्खा है ठीक है, 150 सालों से 152 वर्षों हमारी कोई शाखा नहीं है। हेलो, नमस्कार अंकल। नमस्कार अंकल कौन? अजी नहीं, हमारे सभ्यता संस्कृति में ऐसे बोलते हैं। नमस्कार अंकल। सभ्यता संस्कृति छोड़ दो, कौन है ये बता? बउआ बोल रहा हूँ। बउआ बोल रहे तो मैं क्या करूँ? 2 मिनट दे दो अपना काम। बोल यार, काम ये बोल रहा हूँ की आज अगर मैं बोलूंगा तो तेरे को बुरा तो नहीं लगेगा? तो काम तो बोल, तभी तो पता चले बुरा लगेगा नहीं लगेगा। मैंने अभी अभी घर शिफ्ट किया है, तेरे से एक मदद चाहिए थी। आप बोल, क्या मदद चाहिए? जल्दी बोल। जल्दी बोल, इतना जल्दी में क्यों? जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। अरे इतना जल्दी नहीं, तेरी तरह वेले नहीं है, फोन करके माफ कर दे, जल्दी बोल। तो घर पे ना सामान वगैरह तो शिफ्ट कर दिया। अच्छा, लेकिन पंखा नहीं है। तो पंखा नहीं है तो मैं तेरे को पंखा लगाने आ जाऊंगा। नहीं, फिर एक मदद तू कर दे। हाँ बोल, क्या मदद करनी है? वही तो बोलिए, मैं संकोच लग रहा है। हाँ बोल, जल्दी बोल, पंखा नहीं है तो। सुन, तो पंखा नहीं है ना मेरे यहाँ? हाँ पंखा नहीं है। आगे तो मैं जट से पूछ देती कि क्या तेरे घर पे? हाँ पक्का बोल दूँ ना? बोल, जल्दी बोल दे, नहीं तो नहीं बोले तो फोन काट। ठीक है सर, आप बोल। मतलब सिर्फ एक रात की बात है? मैं आपकी बता सर, मतलब तेरे घर पे माँ बहन है क्या? क्या बोला तूने? क्या क्या दोबारा बोलियो? नहीं दोबारा में ही तो प्रॉब्लम है, जल्दी बोल दो। तेरे घर पे माँ बहन है कि नहीं है? तेरे घर पे माँ बहन नहीं है क्या? बिना माँ के पैदा हो? इसीलिए नहीं बोल रहा था मैं, तू ही कहते बोल दे बोल दे। इसीलिए मत बोला कर, इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि पंखा है नहीं, एक रात गुजारनी है, माँ बहन नहीं होंगी तो मैं आ जाऊंगा। क्या लेडीज लोग रहती है तो थोड़ा दिक्कत होता है ना। चल पागल, एक सेकंड है। अभिजीत कहते रौनक भाई, घमंड करना अच्छी बात नहीं होती है, कई लोग घमंड करते हैं लेकिन घमंड किया किसे जाता है? सुनिए बउआ नमस्ते के सुनिए। हेलो, आपसे 2 मिनट चाहिए, समय होगा? बोल रहा है, बउआ बोल रही हूँ। रॉन्ग नंबर, बउआ को रॉन्ग। हेलो, हेलो, फोन काट गए हैं। बता दो, किसी बउआ को नहीं जानता, आपको बात किससे करनी है? आपसे थोड़ा समय चाहिए, क्यों आखिर? नहीं मेरे पास टाइम नहीं। टाइम? ओ टाइम इज मनी। रुक लिया, टाइम इज मनी यार। ओ वेरी नाइस, ट्राइंग टू स्पीक सम इंग्लिश बट बिकॉज ऑलरेडी वाई यू स्टॉक मार्केट डिपिंग डाउन। पंचमशिला खान, थोड़ा 2 रुपए का और बोलिए इंग्लिश। टाइम इज मनी मतलब पैसे की बात कर दिया, और जिसके पास पैसा वो आदमी घमंडी, तो आप घमंडी है। घमंड करते हो, तुमसे क्या लेना देना है? करते हैं। यस और नो प्लीज। हाँ करता हूँ। अच्छा कैसे करते हैं? क्या करता हूँ, घमंड किया जाता है, घमंड करता हूँ। कभी दीवार पे घमंड किया है? दीवार पे भी किया है, आसमान पे भी किया, फर्श पे भी किया, तुमको क्या लेना देना, तुम कौन बोल रहे ये बताओ। अच्छा घमंड करने के बाद कैसे हाथ धोना पड़ता है या नहीं? भाई हाथ नहीं धोते अगर दिन में 3 बार घमंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? अरे यार तो फोन रख रहे हो कि नहीं? एक सेकंड, एक SMS आया। हाँ बताओ भाई। लिखा है भैया पीछे लोगों को चुप करना है, आज कैसे फालतू लोग के साथ घूम रहा है? तुमको अपना क्या काम है, तुम ये बताओ, आवाज तुमको मतलब नहीं है? अच्छा ठीक है, इसमें लिखा है मैसेज में कि जो करेगा घमंड उसको मिलेगा क्या? मिलेगा भाई बताओ। दंड? हाँ जी दंड। तो नहीं बेटा, तुम कुछ और बोलने जा रहे थे। नहीं मैं कुछ बोल ही नहीं जाता, आप समझ गए, आपकी गलती है, आप ही का विचार और संस्कार वैसे है। बेटा मेरे संस्कार में बात करेंगे तो गुजर दूंगा यही घमंड
देख इसी को कमेंट। नहीं आई डोंट वांट दैट। चलो रख दो। नहीं यू डोंट वांट आई आल्सो डोंट वांट नॉनसेंस प्लीज हैंग अप द कॉल। हैंग अप द कॉल। दो रुपए का इंग्लिश शॉर्ट बोलिए भाई। आज रवि ने फोन करके बहुआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई पढ़ाई लिखाई का थोड़ा अलग सा तरीका हो तो पढ़ने में भी मजा आता है। अब इसी पे बहुआ ने क्या किया ये सुनते। हेलो अंकल नमस्ते। नमस्ते कौन? बहुआ बोल रहे हैं जे। बहुआ काम बोलो बेटा। एक सेकंड मैं आई कम इनसाइड। अंदर आ जाओ। बात कर रहा है। एक सेकंड मेरे नए टीचर आए हैं। कहाँ के टीचर? क्या करते हैं आप सर? बच्चों में ज्योग्राफी और इंग्लिश दोनों को एक साथ पढ़ाते हैं। ज्योग्राफी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाते हैं बच्चों। क्लास एक फन है। बम बम बोले अपनी तू धोले। दोस्तों सॉरी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कुछ अंग्रेजी के शब्द जी जिनका उत्तर ज्योग्राफिकली करेक्ट है। ये कैसे होगा? मैं एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों ध्यान से सुनिए। मिस्टर सिटी किस जगह का नाम है? मिस्टर सिटी इसमें ज्योग्राफी है। मेरी बात सुनो यार। एक सेकंड मिस्टर सिटी कौन सी जगह बता। मिस्टर माने श्री और सिटी माने नगर यानी कि श्री नगर तालिया। लाइक दैट यस वैसे ही करना बुला रहा तुम्हें। एक सेकंड से और भी शहर है जो इंग्लिश से हम सीख सकते हैं जैसे कि नोसिप। किस जगह का नाम है नोसिप? नोसिप हंसो मत। नोसिप क्या भी होता है? नोसिप चेन्नई। चेन्नई अरे ये तो कमाल टीचर है यार। थैंक यू बच्चों। है जुनून है जुनून है। अरे कितने बार जुनून है? ओ सॉरी। गो एंड कम किस जगह का नाम है? गो एंड कम गो गोवा। वेरी नाइस तो समझदार निकले। थैंक यू टीचर। मेरी बात सुनो दोनों। हाँ जी मैं पूछता हूँ वो बताओ तुम। पूछो पूछेगा मेरा क्वेश्चन है। मेक जूस दोनों बताओ अनपढ़ लोगों। मेक जूस ये किसी जगह का नाम है? बताओ बताओ भाई जल्दी बता। मेक जूस कौन सा शहर है? बनारस। ओह बनारस। आपके लिए है दोस्तों बच्चों। डू ड्रामा किस जगह का नाम है? डू ड्रामा। डू ड्रामा बनानी यार तुम तो बजे ड्रामा। मेरे को आ गया। वेरी वेरी गुड। डू यानी कर। कर ड्रामा यानी नाटक। हेलो कर्नाटक। बम बम बोल भाई। शोभित फोन करके बहुआ से कहते हैं कि फिल्मों का ज्यादा ज्ञान भी इंसान को कंफ्यूज कर देता है। इसमें बहुआ ने क्या किया सुनिए। हेलो लेकिन सर एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया है? एडमिशन के लिए फिल्मों का ज्ञान होना जरूरी है। फिल्मों का ज्ञान मुझे है। हेलो क्या ज्ञान है फिल्मों का? एक सेकंड कहीं फोन लगा। हेलो हेलो नमस्ते अंकल। नमस्ते। कौन? हीरो बनने की तमन्ना थी मेरे बाप दादा की। तेरी बाप दादा की? तो उनने ये सपना जिया नहीं, मैंने सोचा मैं उनका सपना जी लूं। तू ये बता यार तू है कौन? मुझे मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। अरे नमस्ते भाई बहुआ। नहीं लेकिन सर ये फिल्म के इंस्टीट्यूट में अगर मेरा एडमिशन हो जाएगा। नहीं एडमिशन के लिए चाहिए ज्ञान, फिल्मी ज्ञान होना चाहिए। फिल्मी ज्ञान मैं क्या कर सकता हूँ भाई उसमें? नेक्स्ट बच्चा भेजो। नहीं नेक्स्ट गुरु जी पहले मेरा सुन करना है ना। करो नहीं अपना आगे देखे बच्चों के पास। भाई साहब देखो हो सकता है मुझे गुमराह करे। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सही इंस्टीट्यूट में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ आप बस चेक कर लो। ये मेरा फिल्मी ज्ञान चेक करने वाला है। जल्दी कर दो भी करना फटाफट। जल्दी एक सेकंड। तो आप क्या ज्ञान चेक करेंगे? शोले फिल्म देखी है? ओके। शोले फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग है कौन सा? जा सिमरन जी ने अपनी जिंदगी। नहीं यार ले ले एक सेकंड रुकिए। ये उसका डायलॉग नहीं है। अच्छा है वो फिल्म कौन भूल सकता है दुनिया में वेलकम। वेलकम पिक्चर वेलकम में राजेश खन्ना साहब कहते हैं आई हेट टीयर्स पुष्पा। याद ऐसी जगह एडमिशन लेगा। अरे पदोल्ला अबे ओ एक सेकंड रुकिए। आपने जो फिल्म बताई उसमें राजेश खन्ना जी तो थे नहीं। तिरंगा पिक्चर में गैंडा स्वामी ने खुद कही है कि ये 70 मिनट भगवान भी तुमसे न छीन पाएगा। देख तेरी गैंडा क्या अरे पदोल्ले चुप कर बहुत तो गई मेरी। नहीं अगर देखो आप अपने गुस्से चाहे मेरे पे उतार लो। अब इनको कुछ बोलेंगे एडमिशन नहीं देंगे कहीं को कुछ नहीं बताई। क्लासिक फिल्म की बात करूंगा। क्लासिक फिल्म तेरी क्लासिक में तेरी टाइटैनिक फिल्म देखी है आपने? टाइटैनिक टाइटैनिक देखी है? उसका सबसे हिट गाना मैं तेरे दुश्मन दुश्मन तू मेरा तू नागिन में सफेरा। अबे तू आपने तो सारी छोड़ो तारे जमीन पर देखी है? देखिए उसमें उसमें आमिर खान साहब कहता तेरा क्या होगा कालिया।
तेरे बाप ने कभी मूवी देखी? ओह माय गॉड, गंदा बोला आपने। आपने चलो सब छोड़ो, डीडी आइए देखिए। हाँ मैंने देखी है। उसके अंदर कातिया ने क्या बोला है? कातिया, हाँ बाप का दादा का सबका बदल लेगा तेरा कातिया। तेरा बाप का वहाँ पे था। सबसे बड़ी फिल्म देखी थ्री इडियट, उसके अंदर बोलते मेरी माँ के कंगन कब देगा लाला। मेरी माँ के कंगन बस करो, फोन कट गया। अंकल उनका क्या कहते थे आप? सूर्यांश कह रहे थे रौनक भाई, हम लोग जब बच्चों ने पेपर लिखते थे तो उसमें आता था फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह भरो। अब इसी में बहुआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो नमस्ते अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। बोल भाई क्या नाम है? मैं कुछ ना एक पजल सॉल्व कर दिया था। अच्छा, इसमें तीन सवाल पूछे गए, अगर उसका जवाब मुझको मिल गया ना तो मैं इनाम जीत पाऊंगा। जवाब अच्छे से देना, भटकना नहीं है, ठीक है? कुलदीप नामक एक लड़का जिसे फोटो खींचने का शौक था, वह एक दिन गुफा में गया और वहाँ उसे शेर मिल गया और शेर ने उसकी डैश ले ली। क्या ले ली? ले ली। गलत बोल दे आप, गलत सही जवाब है जान ले ली, जैसे जान और गश है नहीं गश है गजा। अंकिल बउआ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कॉन्टेस्ट खेल रहा हूँ, सवाल है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, बट बता देंगे जवाब तो शायद मैं इनाम जीत जाऊँ। बोल भाई बोल। हाँ जी, सोलह पिक्चर में ठाकुर साहब का हाथ न होने की वजह से जो रामलाल था वो ठाकुर साहब का डैश धोता था, क्या धोता था? हो सकता गाड़ी धोता हो, कपड़े धोता हो, मैं बता रहा हूँ। सब गंदा बोल दिया, क्या इस दुनिया में कोई बड़ा आदमी है भगवान? हेलो, परेशान बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो क्या करूँ मैं, लोग गंदा गंदा जवाब बता गए, आखिरी सवाल है, अगर आप आंसर दे दोगे। हेलो, सुनील नामक एक लड़का तो घने जंगल के बीच से जा रहा था, अचानक उसे एक पड़ी लकड़ी मिली। हाँ जी, उस पड़ी लकड़ी को उसने डैश में डाल दिया, चूल्हे में डाल दिया। चूल्हे में? हाँ चूल्हे में। अच्छा, मुझे यकीन नहीं हो रहा आपने चूल्हा बोला। तो क्या बोलना चाहिए था? वही तो, लोग भी सोच रहे क्या बोलना चाहिए था। तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना चूल्हे में डाल दिया, लोग क्या बोल रहे हैं मुझे उससे क्या? आप जैसे भले मानुष की बात सुन के मैं तृप्त हो गया, आपने चूल्हे में डाली लकड़ी, अच्छा किया। वजह यहाँ तो लोग लकड़ी क्या क्या करते, मैं जा रहा हूँ, छोड़ दो। आज से सुबह का प्रोग्राम डोलिया जी करेंगे, ठीक है? आया दे 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 डोलिया आया। क्या? कुछ नहीं, क्या बोले? राजीव ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कहते हैं रौनक भाई आजकल के गानों में ना इतनी तू तड़ाक होती है, मतलब तमीज ही नहीं रहेगी गानों के अंदर। अब बउआ ने इस पे क्या किया ये सुनिए। हेलो, हेलो अंकिल, नमस्ते, मैं बउआ गेम शो में स्वागत करते। तू बोल कौन रहा है? मैं बउआ भैया, एक सेकंड रुकिए, मेरे साथ क्या नाम है आप? मेरा नाम है शकील लखनवी। शकील लखनवी जी हैं, बड़े तमीजदार घराने को बिलोंग करते हैं। और भाई साहब आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश, इस कॉन्टेस्ट को खेलने के लिए आपका नाम लकी ड्रॉ से निकाला गया, अगर आप इच्छुक है तो एक दबा है। नहीं हो तो मैं एक दबा दूंगा, ये लो। अब नौकात मेरा की आज के जमाने में गानों में इतनी बदतमीजी है, बिल्कुल तू तड़ाक इतना भर दिया गया भाई, आज के सुन के इसलिए लखनवी साहब हमारे साथ है जो हर गाने में तमीज भरेंगे। देखिए अदब बहुत बड़ी चीज है, आप मानते हैं कि नहीं? हेलो, मेरे साथ फोन पे। अदब तो है, बिल्कुल है, लेकिन मेरा नंबर कहाँ से मिला ये? अब ऐसे है कि हम आपको कॉन्टेस्ट खिलाएंगे, जैसे मैं गाने गाता हूँ, आज फिर तुम पे, आज फिर आप पे प्यार आया। नहीं, नाम चिल्लाना अपने, शकील शकील शकील। ओके ठीक है दिनेश, आर यू रेडी? ये देखिए पहला गाना हम शुरू कर दिए मिलके, ये शकील शकील दिनेश आई शकील ने बोले, शकील ये गाना क्या? आप जाने ना, बहुत बढ़िया से आप जाने ना। दिनेश 1-0 हो गया है। ओके नेक्स्ट सॉन्ग तुझे सोचता, दिनेश थोड़ा लेट हो गया, दिनेश या शकील जी आपको सोचता। वेरी गुड 2-0। हेलो दिनेश जी, क्या हो रहा है ये? वो साले तेरा बाप लगता है असलियत में। क्या हुआ? सारी शकील को देने वो नहीं गाना है। नहीं एक सेकंड, मैं आपको एक एक्सक्लूसिव गाना दे रहा हूँ, ठीक है? दे दे दे। इस गाने में आप अदब भरिए। हाँ ठीक, सुनिए। बहुत
इस नौजवान को एक मौका और दीजिए। सुनना है, सुन तू इतना भड़क मत। शकील जी आपसे मैं इजाजत से, इजाजत है बेशक बेशक, ये शुरू कीजिए आप। तू कंपटीशन खिला रहे हैं, तेरा बाप लग रहा है इस बारे में जो तू इजाजत। भाई दीपक ने आज फोन करके बहुआ का टॉपिक दिया, कहते रौनक भाई जब बाप के जूते बेटे के पैर में आने लगे तो बाप बेटे का रिश्ता दोस्ती में बदल जाता है। इसी में बहुआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकल। अगर आपकी घड़ी में 13 बज गए हैं। अच्छा, 1:13 अच्छा, तो ये किस चीज का टाइम है? अरे बताएगा जल्दी के टाइम। ये टाइम है नई घड़ी लेने का। अबे तेरी मजे ले ले मजे। और मजे पापा अंकल क्या कर रहे हैं? हेलो हेलो, मेरे पापा है ब्यूटीफुल डेड 100 ईयर। क्या मतलब इसका? पापा अंकल आप ही बताइए। सुंदर लाल चड्ढा मार दिया मेरी को बेटा। क्या करूं? क्यों मार दिए? क्यों मार रहे हो? बैंक नहीं गया ना ये? अरे बैंक क्यों नहीं गया? मैं बताता हूँ, मैंने रात को सपना देखा था कि एक लड़की ने मेरी जूती से पिटाई करी, इसलिए मैं बैंक नहीं गया डर के। अबे सपने और तेरे बैंक का सपने? बैंक का यही तो बुलाई है कि हम आपके सपने साकार करते हैं। अबे तेरे सपने दिमाग नहीं है। एक सेकंड पापा, ये मक्खन लाया आप? नहीं, इसको मैं खिड़की से फेंक रहा हूँ। ओ बेगैरत ना, मैं फेंक रहा हूँ। अरे रोज मक्खन की टिक्किया बाहर फेंक दे यार ये। अरे क्यों फेंके मक्खन की टिक्की? सुंदर लाल चड्ढा जी मुझे तमीज से बात कर। बाप है मैं क्या? चड्डे मुंह के भी बनाए हमने खुद हम लोग तीसरी मंजिल पे रहते हैं। अच्छा, और मक्खन अगर फेंकूंगा और मक्खन अगर उड़ गया तो पता है वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बटरफ्लाई। ये देख पापा गंदी बात बोल रहे हैं। कोई नहीं, चड्डे का नाड़ा खस दूंगा इसके। इधर मेरे पास गाली दे रहा है। ताजमहल कितने है? कभी गया है ताजमहल? ताजमहल पता नहीं कहाँ है। कभी जाएगा मम्मी के साथ बाहर घूमने? कहाँ है? आगरा में। आगरा में? और आपको पता है रामलाल कौन है? कौन है? कभी मम्मी के साथ घर में जा करो, पता लगेगा। क्या करूँ मैं बेटे? रोमत रोमत दोस्त मैं तेरा, और हमसे बात कर। दोनों पिटोगे? दोनों दोस्त समझू? दोस्त समझ, उदास मत हो, बात कर। उदास क्यों है? दोस्त समझू ना? हाँ दोस्त समझ। तेरी भाभी नाराज चल रही है। काम करेगा अपने बाप को? मेरा तेरी भाभी नाराज चल रही है साले। उसने बोला दोस्त समझ। अबे वो सुंदर मार कटा तू शारिक भाई ने फोन करके एक टॉपिक दिया, कह रहे थे कुछ गाने ऐसे हैं बॉलीवुड के जो आज तक कभी समझ में नहीं आए हैं, क्या बउआ बन के उन गानों का मतलब पता लगा सकते हो? रौनक भाई ये सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन जी? मैं बउआ बोल रही हूँ। किससे बात कर रही? गला थोड़ा बैठा है, आप ही से बात करनी है। मैं संगीत का एग्जाम लिख रहा हूँ। कुछ ऐसे गाने आए हैं जिनका मतलब पूछा है, उस गाने में क्या भाव है, कौन सा अलंकार उपयोग में लाया गया है, ये सब पूछा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ कजिदा, अमर की तेरे कथा सुना दो। हाँ कजिदा, पूछे थे छोटी, तो ये गाना सुनिए, इसमें बताइए कि आखिर लिखने वाला क्या कह रहा है, बताओ। बताना क्या है? बताना वो बोल रहा है ए आए आओ आए, क्या है मतलब? हाँ, इसमें मतलब क्या है? वो गाना गा रहा है, खुश है तो ए आए आओ कर रहा है। अच्छा, खुश है इसे खुशी में कट रहा है। तो मैं लिखूँ क्या आंसर में? क्या लिखूँ मैं कि वो खुशी में कट रहा है? अरे हमारे दिमाग नहीं काट दो, 2 मिनट वो नहीं काट। मानने की क्या बात, आप खुद ही नहीं संगीत का पेपर दे रहा हूँ। हम क्या पूछ रहे हैं पकड़ के? संगीत में संगीत क्या है क्या नहीं है? क्या नहीं है? सुनिए एक और गाना है। हाँ, इसका बताइए कि कैसे क्या लिखूं मतलब प्लीज। क्या बताऊँ? प्लीज। हाँ,
इसमें इसमें कितना कुकू है और छोटा कुकू कितना है बड़ा कुकू कितना है? अबे यार तुम कुकू कुकू ये कैसे बाप के पूछो नहीं गाने हाँ एक सेकंड आखिरी गाने देखो आयो नहीं आप सुनिए एक सेकंड देखिए ये गाने सुना आपने हाँ सुना है सुना इसमें देखिए इसमें जो इसका क्या मतलब स्पेलिंग क्या होगा अर्थ क्या होगा अब तुम हाथ से आगे बढ़ हाथ से आगे नहीं एक सेकंड फोन करके अच्छा ठीक है ये तो बता इसमें कुकू कितनी है छोटा कुकू बड़ा कुकू भाई अवनीत ने फोन करके बबुआ का टॉपिक दिया कहती है कि जब तक इंसान जीवन में ठोकर नहीं खाता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता इसी में बबुआ ने क्या किया ये सुनिए हेलो नमस्ते अंकल नमस्ते कौन जी बबुआ बोल रहा हूँ बताओ क्या काम है कैसी चल रही जिंदगी जिंदगी तो सही चल रही है जी आपके पिताजी का क्या नाम है फाइल में आज पिताजी का नाम दया शंकर है दया शंकर ये दया शंकर की वजह से तेरी जिंदगी चल रही है वरना नहीं चलती बाप से मजा दया शंकर की वजह से ही तू पैदा भी हुआ है वरना खुद से थोड़ी पैदा हो गया तू क्या खुद पैदा हुआ नहीं हमारे ने नासा में जानकारी है नासा का तो मैं कह रहा हूँ कि इंसान की लाइफ तभी सेट होती है जब वो जब उसकी लात पड़ती नहीं मुझे मैं आपका पर्सनल नहीं पूछ रहा हूँ लोगों का पूछ रहा हूँ अबे तू नहीं नहीं आदमी क्या खाता है तब आगे बढ़ता है ठोकर खाता है ठोकर फैंटास्टिक तो ठोकर खाना तो एक बात है बट कोई भी चीज खाने के लिए बनानी भी पड़ती है अबे तू पागल है नहीं एक सेकंड मेरे साथ एक ऐसे इंसान है जिन्होंने आज तक सबसे ज्यादा ठोकरें खाई भाई साहब आपका स्वागत है सत श्री अकाल जी मैं अजीता जी अपना 350 ठोकर खा ली मैंने 350 ठोकरें खाकर आज भी मेरे सामने एक जीता जागता उदाहरण हमारा जी खानदानी काम है हमारा 1975 में है मेरे बुआ जी ने पहले खेती शुरू की थी ठोकर की ठोकर की खेती ठोकर उगाई है हाँ जी पहले चकोर ठोकर आती थी ये फोन पे जयशंकर का लड़का है तो ये जानना चाहते ठोकर बनती कैसे ठोकर बनी क्या तेरे को सब बता दो हम सड़क पे आगे हमारा धंधा है ना तेरे को ठोकर बनानी जयशंकर का लड़का तुझे पता है तू किससे बात कर श्री जयशंकर बोल रहे मतलब क्या काम है बताओ इज्जत देने नहीं चाहते बाप को हम क्या करें दया के लड़के दरवाजा तोड़िए मेरे गाल सुन ले एक बार ध्यान से एक मिनट अब हम बताएंगे लोगों को कि ठोकर खाने के लिए क्या पहनना पड़ेगा ठोकर खाने के लिए सबसे पहले आप एक विचार ले लें विचार ले लिया उसको एक अमली जामा पहना दे अमली जामा तू अपने एक अमली जामा पहन लिया पहनाने के बाद जामा खुला रखो ठीक है क्योंकि उसमें पैर उलझेगा ठीक है एक बंदा थले डिग जाएगा नीचे गिर जाएगा और फिर ठोकर लग जाएगी गिर जाएगा खानी है तो तुम दोनों ऐड कमली जामा अपने हेलो कमली मैं दया से तेरी कंप्लेन करूंगा दरवाजे के साथ साथ तेरे दांत भी तोड़ेगा बस कर दलेर जी ने आज फोन करके बबुआ का टॉपिक दिया कह रहे थे रौनक भाई दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे नेताजी लोग बहुत ज्यादा भाषण देंगे अपने अपने इलाकों में जाकर और इसी भाषण पर बबुआ बनकर हमने क्या मस्ती करी ये सुनते हैं रास्ते की गलियां और आपकी नालियां हेलो नमस्ते नमस्ते बबुआ बन रही हूँ आगे देश की तरक्की क्या नेताजी का भाषण चाहिए की तरक्की कौन से नेताजी का तो मैं क्या करूँ इसमें देखिए बढ़ती जाइए नेताजी एक सेकंड रुकिए मैं फोन पे हूँ तो मैं क्या करूँ भाई साहब मैं कह रहा हूँ नेताजी ना जनता को संबोधित कर रहे हैं नेताजी एक सेकंड हमें राशन चाहिए राशन राशन मांग रहा पागल हो गया क्या देख यही तो बोल रहा हूँ तू मेरे से बात कर रहा है नेताजी से बात कर रहा है भाई साहब मैं कह रहा हूँ मेरे इलाके में नेताजी भाषण दे रहे तू अगर आज मेरी मदद करेगा तो कल तेरे इलाके में कोई तकलीफ होगी तो मैं आ जाऊंगा एक सेकंड रुक जा नेताजी 10 दिन से बिजली नहीं आ रही है रुको 10 दिन और रुको क्या आ जाएगी नहीं आदत पड़ जाएगी तालियां अरे क्या चल रहा है दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता गलत बोल रही है नेताजी अरे तो सही क्या बता दे सही ये है कि दूध का जला दूध को ठंडा करके पिएगा अगर छाछ ही पीना होता तो डायरेक्टली छाछ पीता ना कहाँ है मेरा दाया हाथ जनता को गुमराह कर रहे आज आपको बता दूं क्या कि हमें कभी भी नारी को अबला नहीं कहना चाहिए तो बड़ा कहो फिर देखो क्या हासिल होगा आपका इसको लेकर जाओ ना यार देखो जो आदमी हवा में थूकता है थूक पलट कर उनके मुंह पर ही गिरता है अच्छा ऊपर देख के थूकेंगे तो मुंह पे गिरेगा सीधा मुंह पे गिरेगा मैं ऊपर देख के थूकूंगा और फिर फट से भरी लूंगा दाया हाथ
अच्छा वो भाई नहीं है क्यों? फिर पोटी कटने के बाद तो आपको रख दिया। आप नहीं समझ गए, मोजा नहीं पहन के आप समझ रहा क्या? नहीं समझ रहा मोजा ये थी आप। हेलो भाई साहब, मैं बोल रही हूँ, मैं क्या बॉस थी? भाई साहब वही साहब कुछ नहीं है, वो कह रहा है अंकल, अंकल चलेगा अंकल तेरा वहाँ। एक सेकंड, क्या जगह मैं मोजा पहन के नहीं आया हूँ, बॉस मेरा क्यों झंझट कर देगा? हेलो यार मोजा तू नहीं पहन के आया, तुम्हारे मत्था मेरा खराब कर रहा है। मेरे बॉस मेरे पीछे पड़े मोजे, बॉस से बात करवा रहा हूँ। नहीं करनी बॉस अंकल, एक सेकंड बात कर दिया। बोलिए भाई कौन बोल रहा है? बच्चे की जान ले रखी है। मोजा नहीं पहनेगा भाई साहब, तो जूता काटेगा। बोलो हाँ अभी सुनिए, अब अगर जूता काटेगा तो इन्फेक्शन होगा। अब इन्फेक्शन बड़ा होगा तो पैर काटना पड़ेगा। बोलो पैर काटना पड़ेगा अभी, उसके बाद जब पैर काटेगा ऑपरेशन करने जाएगा छुट्टी लेगा। पैर कट रहा है देखो छुट्टी कैसा बॉस अंकल है? अरे कुछ नहीं कर पाएगा ये तेरा मैं भी जानता हूँ। अपने बॉस से बात करा एक बार, फिर से तुम बोलो काम कैसा करता है ये बुआ? काम एक नंबर काम करता है, एक नंबर करता है। तेरी गलती क्यों है भाई? अभी इसका जवाब ये देगा, एक नंबर मतलब मेरे को बाद में सुसु आती तो मैं एक नंबर करता हूँ। अरे बुआ तू भी निकला, सही करता तेरा बॉस बिल्कुल, तेरी पार नहीं बॉस। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, चटू की बात है, आप क्यों बात बात? मैंने कंपनी के लिए डील कनेक्ट की है। आप बोलो ना बुआ। Now you shut up। अरे बुआ शट अप, बोल गया बॉस। बॉस का क्या करूँ? हेलो बॉस की खराब कर दिया, बात कर दी है बॉस होती है। अच्छा सारे बॉस लोग को चीची बोले। विनीत ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई दूर की जो सोच होती है वो बहुत जरूरी होती है, क्या बउआ भी कभी दूर की सोच सकता है? ये सुनिए क्या किया बउआ ने। हेलो, हेलो, हाँ जी कौन? यार पीछे बड़ा शोर हो रहा है। हाँ मैं मार्केट में था, आप कौन? हाँ होते तो थोड़ी शोर होता, मार्केट में हूँ। तो प्रेजेंट टेंस करो ना, पास्ट टेंस क्यों कर रहा है? आप हो कौन बताओ तो सही। अच्छा मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। बउआ कौन? अच्छा मैं सुनिए, मैं कह रहा था की इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। अच्छा फिर क्या करूँ? उनने नाश्ता कर लिया होगा अब तक। तुझे बताओगे मुझे कैसे बताओगा? पेरिस हिल्टन को जानते हैं, जस्टिन बीबर को? हाँ तेरा बाप है ना वो, मैं नहीं जानता। मैं जब बाप होता तो मैं तेरी को फोन कर रहा होता। क्यों कर रहा है फिर ये बताना। मैं ये सोच रहा हूँ। हेलो क्या सोच रहा है बोलो। हाँ तो हाँ हूँ तो कर, पता तो चले फोन पे है। हाँ बोल क्या सोच रहा है? कि जो अंटार्कटिका की बर्फ है उस बर्फ को अपने इसीलिए मैंने पॉज दिया, मैंने सोचा शायद तू कुछ बोलेगा। तो अंटार्कटिका की बर्फ से मैं सोच रहा था कि चुस्की बन सकती है अपने बाप से। हेलो यार आप फोन काट रहे होंगे, तेरे लिए टाइम थोड़ी है मेरे पास। यार मैं सोच रहा था, तू सोच रहा था मुझे क्यों सुना रहा है? यार सुनिए ना थोड़ा, आप भी कुछ आधी बातें कर रहे हैं अंटार्कटिका इंग्लैंड में, यहाँ की बातें कर रहे हैं। यहाँ की बात क्यों करूँ मैं, ये दूर की सोच है, अंटार्कटिका इंग्लैंड। हेलो दूर की सोच अपने तक रहे, मुझे तक चला रहा है। और एक दूर की देखो, मैं सोच रहा हूँ जो अरब के शेख है उन्हें अपने ऊँटों को पानी पिला दिया है। ऊँटों को पता नहीं, बट वहाँ पे गधे को शरबत दे रहे हैं तो तू वहाँ पे चला रही हो। गलत बोल रहे हैं, भारतीय महासागर में जो व्हेल मछली है वो अभी अभी ऊपर कूदी है और उसने सांस लिया है, ऐसे मैं सोच रहा हूँ। पूरी की पूरी व्हेल मछली पूरी की पूरी व्हेल मछली? हाँ तू कैसे लाएगा व्हेल मछली यार? तू दूर की सोच है, मैं जा नहीं सकता। तू आ बोल। ओ वेरी गुड। हेलो हेलो कौन बोल रहे हैं? नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। उठ जाओ, मॉर्निंग हो गई, कम ऑन। हाँ बोलो। दुनिया गोल है मेरे दोस्त। हाँ तो सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है मानव समाज में। क्या? आदमी अपने हिसाब से दुनिया बनाता है। उल्टा दुनिया के हिसाब से आदमी को रहना चाहिए। भाई तू क्या बोल रहा है, सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है।
तेरे अंदर बोले चाह जाओ कि दुनिया क्या है, बोले और इंसान लंबा इंसान और इंसान लंबा है जबकि इंसान को भी गोल होना चाहिए दुनिया के हिसाब से। तो भाई इंसान लंबा होता है गोल थोड़ी होता है। वही मैं बोली इसलिए तो इंसान को प्रॉब्लम है क्योंकि दुनिया गोल इंसान लंबा। अब वक्त आ गया कि इंसान को भी गोल होना चाहिए इसलिए हेलो इसलिए अब मैं तेरे झापड़ लगाऊंगा। नहीं इसलिए मैंने एक दुकान खोली है जहाँ मैं इंसानों को गोल बनाता हूँ। सुन लो भाई साहब भाई साहब मेरे को पता है आप हो लेकिन बोल ही रहे हो साले तेरे को फोन में घुस के ऐसा एक मुक्का मारूंगा। अधिक हम इंसान को गोल बनाते हैं पता है कैसे? कैसे? आदमी का सर पकड़ा उसे मोड़ कर घुटने तक ले आया और घुटने पर टच कर दिया और वही सेलो टेप मार दिया। भाई तू पागल है क्या? बाकी जो पैर वगैरह जो लटक रहे उसे हल्का सा काट के बाहर रख दिया। भाई तेरा दिमाग खराब है? दिमाग नहीं हमारे पास। कैसे कैसे पैर काट देगा? ठीक अगर ये पसंद नहीं तो हमारे पास कील वाला भी पैकेज है जैसे सेलो टेप नहीं कील मार देंगे। भाई तेरा तू कील मार दे गुस्सा घड़ी का कुछ नहीं मिलेगा। अगर अब आदमी गोल हो गया ना तो आगे कैसे बढ़ेगा मैं बताता हूँ। उसे ऊंचाई पर ले जाएंगे और इस गोल आदमी को हल्का से धक्का देंगे लुढ़कते लुढ़कते बहुत आगे जाएगा। मैं तेरे को धक्का दे दूंगा साले। ऐसे को एक सेकंड टेप वाला पैकेजिंग में कील वाला हम आपको गोल करने अभी आए गए इसीलिए दुनिया खराब है कोई गोल ही नहीं होना चाहेगा। मैं क्या खजाऊ? हेलो व्हाट अ कोइंसिडेंट लेडीज। हू इज दैट? हाय मैं बहुआ बोल रही हूँ लेडीज। हू बहुआ? मी बहुआ। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम टू मच इंग्लिश इज इंजीनियर्स टू हेल्प। हेलो कब ओके हुआ यू जस्ट टेल मी लेट्स डिसाइड। हेलो हिंदी डील करते हिंदी ओके कम अगेन या आई विल कम अगेन एंड अगेन। गॉड सॉरी डू यू हैव टू मिनट्स? हिंदी में बोलो दो मिनट है बोलो। सॉरी आई न देसी गर्ल मेरे पास टाइम नहीं है फालतू बात के लिए। अजय सुन बात तो सुनिए दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है। व्हाट दूध का जला जला एंड छाछ एंड ऑल दैट क्या बोल रहे हो? ओह लेट मी ट्रांसलेट दिस इनटू हॉट मिल्क ड्रिंकिंग एंड बर्निंग। ओह माय गॉड एंड देन आफ्टर दैट ड्रिंकिंग बटर मिल्क व्हाइल डूइंग फूफू। तो हिंदी में बोलो के ओके लिसन कोई कहता है दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक के पीता है यानी दूध का जला यानी जले पे नमक यानी दूध में नमक यानी दूध फट गया यानी फटने के बाद दूध बना पनीर यानी पनीर को भी फूक फूक कर खाना होगा। अच्छा आर यू लाफिंग? नो आई एम नॉट लाफिंग। यू आर एक्चुअली स्टूपिड जोक से मुझे कोई हंसी नहीं आती है। अच्छा सुनिए तो यानी मैं फूक फूक मार के खुद ही हंस रहा हूँ। सॉरी एम आई डूइंग दैट मच टू मच? या यू आर डूइंग टू मच। लेट्स डू थ्री मच स्पून को बोलते हैं चम्मच। सॉरी अच्छा इसलिए देखिए ये दूध का जलना छाछ को फूंकना पनीर का फटना मैं इसको जड़ से खत्म करना चाह रहा हूँ इसीलिए सीधे तबेले में आ गया हूँ। क्या? और मैं सोच रहा हूँ भैंस को ही फूंक मार दूंगा। सारा है क्या तेरा प्रॉब्लम? क्या है प्रॉब्लम? नहीं भैंस को फूंक मार दो ना दूध को फूंकने ना छाछ को बट खलास। अरे दूध छाछ भैंस है क्या ये देसी गर्ल अब्यूजिंग? जस्ट मैं अंग्रेजी में भी अब्यूज कर सकती हूँ समझ आइए। आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। जस्ट गंदा बोला अच्छी आंटी लेडीज। आंटी होगी तेरी माँ? अच्छा माँ ये कब जी आज नहीं कुछ वैसे नहीं उन्होंने खाली बोला फूक ऑफ। भाई मयूरी ने फोन करके आज बहुआ का टॉपिक दिया कहती है जब किसी की बड़ी याद आती है रौनक तब दिल क्या करे आप ही बताएं। इस पर बहुआ बन के हमने क्या किया आइए जरा सुनते हैं। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी बहुआ बोल रही हूँ। मैंने डॉक्टरी की नई दुकान खोल दी अभी अभी। डॉक्टरी की दुकान? क्लिनिक क्लिनिक होता है डॉक्टर? नई दुकान वही जो भी है। मेरे पापा बहुत बड़े डॉक्टर थे उन्होंने इतना बड़ा बाईपास किया था। इतना बड़ा ऑपरेशन? ऑपरेशन नहीं बाईपास। बाईपास ऑपरेशन ही तो होता है। नहीं जीटी कटनाल रोड बाईपास वो किया उसको क्रॉस किया। एक
गंदी भाषा का प्रयोग और ठीक है। हमको फोन मिला, क्या तकलीफ है आपने? मेरे को बेटे यूसुफ की बड़ी याद आती है। बड़ी पाद आती है? नहीं नहीं बेटे, याद कह रहा है वो, याद कह रहा है, याद कह रहे हैं। एक्चुअली मैं आप याद कह रहे हैं, बट असल में वो पाद होती है। अरे पाद कैसे होती? एक सेकंड, आपका दोस्त यूसुफ है आपसे दूर है, दूर रहा, आपको याद आती है? हाँ। फिर याद आती है तो मिलने का मन करता है? बहुत ज्यादा। जा पाते नहीं आप? नहीं जा पाते, क्योंकि उम्र हो गई है। उम्र हो गई। अब जब आप जा नहीं पाते तो आपको टेंशन होती है। हाँ हाँ। और इस उम्र में टेंशन से गैस निर्माण होता है। गैस बनती नहीं, पागल है। और उसी गैस को, जब वो गैस गलत रास्ते से निकलती है तो वो गैस क्या बन जाती है? नहीं, पसे पासे पाद पाद। तो बेटा इलाज करके आपका इलाज मैं करूंगा। मैं इनकी शरीर में एक नली डाल दूंगा जिससे वो पाद वो बाहर आ जाए। वो नली डालने के लिए मुझे नारियल पानी चाहिए। नारियल पानी से कैसे इलाज करोगे? एक सेकेंड, पानी मैंने पी लिया नारियल का। अब जो स्ट्रॉ बचा है वो पाइप, वो मैं इनके अंदर फिट कर दूंगा, वो नली जिससे वो बाहर, इनकी बाहर आ जाएगी, मर जाएगा, गैस पास हो जाएगा। आप पहुंचे मुड़ी की है, इसको यहाँ डालते हैं, इस तरह से फिट करते हैं। जल्दी स्क्रू ड्राइवर भर देना। ओके बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।